कोई दीवाना कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुमार विश्वास और आप सुन रहे हैं सनी मौजा के साथ रेडियो जिंदगी जिए जा। जिए जा रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जिए जा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं भेजा फ्राई सनी मोजा के साथ ओनली ऑन 1550 AM एंड 99.7 HD3 FM। आपको याद होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं दिल्ली के इलेक्शंस की, वहां माहौल कितना गर्म हो चुका है, कैसी लहरें चल रही हैं। इनफैक्ट अब तो ओबामा भी बीजेपी के पोस्टर्स पे आ चुके हैं, लगता है वो भी उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो दोस्तों इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं दो गेस्ट लेके आया हूँ अपने स्टूडियो में। वेलकम टू रेडियो जिंदगी बोथ ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। तो पहले तो आप जल्दी से अपने लिसनर्स को बताइए कि आप हैं कौन, दैट वे व्हेन यू से समथिंग दे नो द कॉन्टेक्स्ट एंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। प्राण जी, लेट्स स्टार्ट विद यू। ओके, आई एम एन एंटरप्रेन्योर बेस्ड हियर इन द बे एरिया। आई हैव बीन क्लोजली फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव आल्सो बीन राइटिंग एक्सटेंसिवली ऑन द इकोनॉमिक टाइम्स वेबसाइट। आई हैड अ ब्लॉग देयर व्हिच हैज बीन प्रीटी पॉपुलर। बीन फॉलोइंग इवेंट्स वेरी क्लोजली एंड आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव एंड ऑफ द आम आदमी पार्टी। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन व्हाट दे आर trying to accomplish and I'm wishing them all the success and I'm confident and hopeful that this time that they will be very successful in the Delhi elections. All right, and do you also have some connection with Arvind Kejriwal himself? Yeah, I've been closely following him for a very long time. Okay. I've seen, you know, all his activities right from day one. So all right, and we and have another, you know, jinko main jab se janta hu inko dekhte hi mujhe aam aadmi party yaad aa jati hai. Pradeep ji, aap apna introduction dijiye. Thank you. So main Bay Area mein based hu, IT professional hu. Haan ji. एंड आम आदमी पार्टी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ उनके इंसेप्शन से। आई वेंट टू दिल्ली व्हेन लास्ट ईयर फॉर द कैंपेनिंग। ओके, एंड देन लास्ट ईयर इन फरवरी, 12th of February वाज माय लास्ट वर्किंग डे। आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब एंड वेंट टू अमेठी टू वर्क एज कैंपेन मैनेजर फॉर डॉक्टर कुमार विश्वास। एंड आई वॉज इन इंडिया फॉर अराउंड 6 months वर्किंग विद आप। केम बैक ओवर हियर in the grind again. And this time I am supporting remotely. Whatsoever we can do and whatsoever we can do from California. Our team is calling people. They are making, you know, every weekend and every night they are calling and they are making thousands of calls. They have adopted a constituency, Jangpura. And we are trying to make sure that Jangpura California chapter is trying to make sure that we win Jangpura. At the same time there are a lot of supporters who are making sure, including Arvind and the team, that we win Delhi this time. So you said you went to Delhi last time for the national polls, that national elections that happened. For the Delhi election and then national polls. Oh, both elections you were there. Yeah. Okay, Amethi and Delhi. Yeah. So was this ये पहली बार आप elections में थोड़ा कूदे थे, मतलब active हुए थे Indian elections में कि पहले भी आपका आपने किया है कुछ? No. Last time Delhi was my first experience. And what prompted you to go all the way from California, job, dhanda, kaam waam chhod ke, aap Delhi kyun pahunch gaye? Aisa kya jazba aaya aap mein? So, main, dekhiye, jo hum log aur sare anivasi bharatiya jo isko sun rahe program ko aapke. NRIs. NRIs, right. Hum logo mein, desh mein kuch positive ho, kuch सकारात्मक हो, उस सब के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। जब हम बड़े हो रहे थे हम लोगों ने कभी भी राजनीति के बारे में सोचा नहीं, कभी भी कुछ नहीं करा। बिल्कुल, ये सोच के ही कुछ नहीं हो सकता। पहली बार रामलीला मैदान से ऐसा लगा कि भाई कुछ हो सकता है। अच्छा, कुछ तो हो सकता है, राइट। फिर इसके बाद हम लोगों ने जब देखा कि हाँ यार चीजें हो रही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, एक प्रोसेस सेटअप हो रहा है एंड थिंग्स कैन बी रियली चेंज, थिंग्स कैन बी चेंज एंड यू आर सीइंग थिंग्स आर चेंज, अदर पार्टीज आर चेंजिंग देयर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स बिकॉज यू नो दे आर फोर्स्ड टू। So that was, if things can be positive, that was the main thing which prompted me to go to Delhi and then to Amethi. Okay, you want to bring a positive change in the country or apne apna part kiya. Aur Amethi to main isliye bhi gaya, mere ko ye tha ki Rahul Gandhi agar prime minister ban gaya wo mere liye kitni badi sharm ki baat hogi. Abhi wo baith ke kahin games khel rahe honge, lekin we want to keep this discussion open. To listener, sabse pehle main ye bataun ki maine kafi koshish ki thi ki BJP ka koi leader ya koi unka volunteer bhi join kare. Maine kafi request ki thi apne doston ko, koi mila nahi. To ऐसा कुछ वो जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अभी हम सारी कॉल्स लेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि दिल्ली के इलेक्शन में इस बार क्या होने वाला है। अभी एक कॉल आ रही है, आई एम नॉट श्योर वो किस रिलेटेड है, लेकिन उनको हम ऑन एयर ही लेते हैं। कॉलर, यू आर लाइव ऑन एयर, आपका नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि आप ड्रॉप कर चुके हैं। तो प्राण जी, अभी आपको क्या लगता है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली? आई थिंक
you don't have to take my word for it, but at the same time, there are so many polls that are coming out almost every single day that all of them seem to indicate that AAP is going to win. In fact, some of the people who have been supportive of the BJP in the media have actually come out and said that AAP is going to win by a landslide. लेकिन प्राणी लेट मी इंटरप्ट यू देयर जो नेशनल इलेक्शंस हुए थे उसमें भी कुछ ऐसे ही पोल्स आ रहे थे इनफैक्ट वन ऑफ द पोल्स आई रिमेम्बर आरएसएस ने किया था एंड आप वाज गोइंग टू गेट लाइक 20% or 30% ऑफ वोट शेयर तो वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया उस टाइम पे तो व्हाट मेक्स यू कॉन्फिडेंट दिस टाइम इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी बिकॉज दिल्ली इज अ मच स्मॉलर प्लेस रादर देन ट्राइंग टू कम्पीट एट द नेशनल लेवल एंड आम आदमी पार्टी हैज हैड अ ग्रेट स्टोरी फर्स्टली दे हैव अ 49 डे ट्रैक रिकॉर्ड दैट दे हैव कंपेयर्ड टू बीजेपी complete failure in MCD and Congress's failure for 15 years, right? In addition to that, they have strong leadership, which both the other parties don't have. Arvind Kejriwal is a proven leader. And now, just the other day, BJP has just said that they have no plan, no manifesto for Delhi. Yes. So why would somebody vote for someone who has no track record, no leadership and no plan? But isn't that 49 day, jo apne Arvind Kejriwal ka track record kaha, also going against him, that you know people call him AK-49, ki 49 days mein kyun chhod diya? To main aapka vichar janna chahta hoon, yahan right on the ground, California mein, aap kya sochte hain is baare mein? See, he quit the position, it was a principal decision, because they would not allow the Lokpal bill to be passed. Right? That was why he quit, because both the Congress and the BJP joined hands and would not even allow a discussion in the assembly for the Lokpal bill. And he's a man of his word. He said, in 15 days, if I cannot pass this, I'll quit. And that's exactly what he did. But if you look at the 49-day record, every field you look at, water price was reduced, electricity price was reduced, corruption in schools, they had a hotline, so no corruption or in schools. They had an anti-corruption hotline. The Delhi Jal Board was cleaned up. Everything was addressed during those 49 days. And external surveys, unbiased surveys have come out and said that, you know, corruption has actually reduced in DMV and other equivalents in India. The middlemen who were, you know, previously collecting money were all gone because they were afraid. Absolutely. Listeners, अगर आप भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है 510-770-1550 510-770-1550 अभी एक कॉल आ रही है लेट्स टेक दिस कॉल लाइव ऑन एयर कॉलर यू लाइव ऑन एयर आपका नाम जी हाँ मेरा नाम राज है राज जी हाँ मेरे को शाहरुख खान याद आ गए बताइए सर आप क्या कहना चाहते हैं नहीं सर कहाँ शाहरुख खान है कह रहे नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर इंसान से एक बार गलती होती है तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं पर अगर कोई गलती हो इंसान दोबारा करता है तो उसे बेवकूफी कहा जाता है तो जो भी है आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो दूसरी बार गलती कर रहे हैं उसको एक बार मौका मिला एंड ही बैक्ड अवे ही डिडंट हैव द गट्स टू फेस और टू गेट थिंग्स डन ओके तो ये जितने भी अपने पैनलिस्ट बुला रखे हैं आपके सपोर्टर आपके कार्यकर्ता इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इट डिडंट वर्क लास्ट टाइम एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अगेन एंड वट एवर बीजेपी हैज डन एट सेंटर इन लास्ट 6-8 months is there for everybody to be seen. So I don't know what is AAP's agenda now, you know, on what basis he even is fighting for daily elections. Nee, great. Raji, thank you for your question. Abhi hum aur question aapka on air lete hain. Thank you so much. To Pradeep, Pran abhi kaha gaya ki bhaiya, AAP jo hai wo bhaag gayi. Unka track record nahi hai. BJP ka track record hai pichle 6-8 mahinon mein. To abhi agar वोटर्स ने दोबारा आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो वो दूसरी बार गलती करेंगे तो व्हाट एनी वन ऑफ यू व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट एब्सोल्युटली आई मीन वन ऑफ द थिंग्स दे केम अप विद वाज अच्छे दिन वेयर इज अच्छे दिन 7-8 months हैव गॉन बाय देयर इज नो अच्छे दिन हैपनिंग देयर एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट ब्लैक मनी टू कम टू आवर अकाउंट राइट 15 लाख रुपए आने वाले थे अकाउंट्स में सो द थिंग इज नो व्हाटएवर कॉल्ड इफ दे कैन काइंड ऑफ काउंट व्हाट आई एम नॉट सेइंग एवरी गवर्नमेंट डज सम गुड वर्क सम बैड वर्क और व्हाटएवर And I'm not denying the good work done by Modi or whosoever is in the center, right? The governments and Indian government is doing pretty nice work. But at the same time, when we are talking about change in whatsoever traditional politics, where it is, right? Whereas what they are doing against corruption, what they are doing for black money, what they are doing for some of the promises they have made, right? They have made a lot of promises. And you may have seen the... interviews of Anna, he's also talking about, you know, 7-8 months they have already given to the government and what they have done over 7-8 months, what kind of change, what kind of development. There was a long agenda, right? Smart cities, development and all those kind of things. Bilkul. Where are those things? So let me ask you, ki abhi jo comparison hai with the national jo BJP ne kiya hai, गवर्नमेंट में और दिल्ली में जो होने वाला आई थिंक काइंड ऑफ इट्स एन अनफेयर कंपैरिजन क्योंकि अगर कंपेयर करना है तो किसी स्टेट को किसी स्टेट से कंपेयर कीजिए नॉट विद द नेशनल बिकॉज
national government is not going to rule or govern Delhi. Let's take this call right on air. Caller, you're live on air. Aapka naam? Hi, mera naam Gopal hai. Bahut acha kiya aapne jo subject ko uthaya radio par. Haan ji. Aur kuch mere points hain thode se. Main aapka supporter hoon actually. Maine pichli baar patch bhi diye the aapko. Go ahead Gopal ji, lekin please keep your comment short taki hum baki calls bhi le saken. अच्छा जी ठीक है. तो जो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं बहुत अच्छे आदमी हैं पर वो जीत नहीं पाएंगे इस बार दिल्ली में. क्यों? हाँ जी. क्योंकि एक तो वो पॉलिटिशियन नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, और समझो उनके लिए बुरी बात है क्योंकि वो राजनेता नहीं है. राजनीति करने के लिए उनके पास वो जो ट्रिक होती है ना वो कर नहीं पाते हैं, तो वो चल नहीं पाएंगे. प्लस उनके पास पैसे नहीं है. मैंने 5,000 रुपए दिए थे, उससे कुछ नहीं होने वाला. बीजेपी के पास बहुत पैसे हैं. तो ये दो पॉइंट है उनके लिए काफी, उनको हराने के लिए. बीजेपी ने पहला एक चुनाव जीत रखा है, कितनी बैंकर कैंपेनिंग थी. आपके पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के कोई कैसे लड़े? करेक्ट. ये दो पॉइंट है. सो गोपाल जी, आपका बोलना है कि वो गंदगी नहीं फैला पाते हैं, राइट? और दूसरा उनके पास पैसा. लेकिन ये एक तरह से राजनीति, उनको नेता बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं. अगर हमको कीचड़ साफ करनी है और वो गंदा नहीं होना चाहते ना, वो गंदे हैं, ठीक है, तो वो कैसे जीतेंगे? तो सर वही है, वही अब हम लोगों को चेंज होना है. थैंक यू गोपाल जी फॉर योर कॉल. तो आई थिंक क्या है कि हम लोगों को ही चेंज होना है ताकि वो समझ सकें, दे कैन सी बियॉन्ड द मार्केटिंग टेक्निक्स. लेकिन अगेन दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ अप. एनी गुड कैंडिडेट शुड विन. कॉलर योर लाइव ऑन एयर, आपके कॉमेंट्स. आपका नाम? मेरा नाम मंजिंदर है. मंजिंदर जी बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं सर आप? क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू, एक्सेलेंट. थैंक यू सो मच. कॉलर योर लाइव ऑन एयर, आपका नाम और आपका सवाल. सर मेरा नाम नितिन है. गुड इवनिंग टू सनी एंड प्रांजी एंड प्रदीप. हाय, गुड इवनिंग. गो अहेड नितिन. या सो आई वुड लाइक टू मेक अ क्विक कमेंट ऑन रेजिग्नेशन, क्योंकि वो काफी वो है. सर जी देखिए, 1951 में इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया था क्योंकि उन्हें जेंडर इक्वालिटी बिल पार्लियामेंट में पेश करने नहीं दिया गया था. तो हम ऐसी कंट्री में से आते हैं जहां पे प्रिंसिपल भी कोई चीज है. लेकिन आजकल के धोखे के और झूठ के जमाने में जो आदमी सच बोलता है वो ही उल्टा झूठ लगता है या धोखा लगता है. तो ये तो मेरा कॉमेंट था जी पहला. अब मैं तो एक सवाल पूछना चाहूंगा प्राण जी और प्रदीप जी से. सर आप हमें ये बताइए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी से कैसे डिफरेंट है, और अगर बेटर है तो क्यों बेटर है, और लोग उन्हें क्यों वोटते हैं? थैंक यू सो मच. आई विल ड्रॉप योर लाइन सो दैट आई आपके कॉल का आंसर कर सके. थैंक यू सो मच. गो अहेड प्राण जी. सी फर्स्टली लाइक आई सेड अर्लियर, बीजेपी हैज अ टेरिबल ट्रैक रिकॉर्ड इन एमसीडी एज अपोज्ड टू आम आदमी पार्टीज 49 डे रूल, विच इज अ स्मॉल पीरियड बट अ फैंटास्टिक अकम्प्लिशमेंट विच better than any state government across the country. And today BJP has no leadership whatsoever. Aam Aadmi Party has leadership, and most importantly it has a plan. The delhidialogue.in website clearly outlines every single plan that the Aam Aadmi Party has in every sector, be it business, related to traders, be it related to health, education. All of it has been clearly outlined. The BJP has come out and said they don't have a plan. This was just the other day. So they don't have a plan, they don't have leadership, they don't have a track record. Why would you want to vote for a party like that? So Aam Aadmi Party has all three, and Arvind Kejriwal has time and again proven to be a phenomenal leader. So we need to give him an opportunity. That's clearly what the Aam Aadmi Party stands for. And another thing is, you know, AAP has a clear cut agenda, as Pran said. Yeah. We are not talking about 3P, 6S, 5D and those kind of things. We are clearly talking about what AAP is going to do for women security. Correct. What AAP is going to do for transport problems, for pollution, for industry and those kind of things. Correct. For each and every issue of Delhi, there is a plan, there is a vision. Correct. There is everything. So everything is documented. You can go and you can read it. Correct. However, BJP talks about, you know, 3P, 4S, 4D and those kind of things. And Congress is nowhere to be seen. That's right. A nice thing. कांग्रेस यू शुड वोट फॉर. कांग्रेस के लिए मैं गाना लाया था लेकिन आज लगता है चलाने का मौका नहीं मिलेगा. एक गाना था हनी सिंह का, चार बज गए पार्टी अभी बाकी है. तो उनका था चार बच गए पार्टी अभी बाकी है. तो एक काम करते हैं, अभी काफी कॉल्स आ रहे हैं. लिसनर्स यू कैन कंटिन्यू कॉलिंग इन. स्टूडियो का नंबर है 510-770-1550. रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा. Are you ready? I'm ready. Go! Wow,
वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं भेजा फ्राय सनी मोजा के साथ और डिस्कशन चल रही है दिल्ली इलेक्शंस की। मुझे काफी कॉल्स आए, मुझे पीके जी का कॉल आया, उन्होंने कहा बीजेपी जीतेगी। मैंने पूछा क्यों, कहते उनका पैसा ज्यादा है, वो खरीद लेंगे बाकी लोगों को। अब ये कितना सच है कितना नहीं मुझे मालूम नहीं, ये पीके जी की ओपिनियन थी। दूसरा कॉल मुझे आया विक्रम जी का, उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले प्राण जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल रिजाइंड बिकॉज उन्होंने वादा किया था कि जन लोकपाल बिल फ्लोर पे लाएंगे, जब वो नहीं ला पाए उन्होंने रिजाइन किया। विक्रम जी का सवाल था कि उन्होंने बाकी चीजें भी कही थी, जैसे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा लेकिन बाद में ले ली, उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट का फ्लैट या बंगला नहीं लूंगा लेकिन बाद में ले लिया। तो प्राण जी आपको क्या कहना है इस बारे में, या प्रदीप जी, दोनों में कोई भी, आप दोनों को मैं लाया इसलिए ताकि मैं आपको सवाल पूछ सकूं और ग्रिल कर सकूं कि वाई आप। तो बात ये हुई थी कि जो भी दिल्ली में जीत के जाता है लुटियंस जोन में बड़े बड़े बंगले, और बात ये हुई थी कि उन्होंने बोला था कि हम लोग बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, राइट, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। दे डिड ऑल्सो, राइट, अरविंद एंड एंटायर टीम वेंट इन मेट्रो टू द ऑफिस। और जहां तक बंगला लेने की बात है, बंगला नहीं लिया उन्होंने, सरकारी फ्लैट लिया। ही वॉज एनी वेज लिविंग इन अ सरकारी फ्लैट, वो सरकार के फ्लैट में रह रहे थे बिकॉज हिज वाइफ वर्क्स इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड दे जस्ट मूव टू अ सरकारी फ्लैट। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एनीवेज, टू रन द ऑफिस यू नीड टू लिव नियर द ऑफिस इन अ फ्लैट, राइट? इट वॉज नॉट अ बंगलो। द सेकेंड थिंग इज सिक्योरिटी, आई डोंट थिंक ही हैज टेकन सिक्योरिटी, ही हैज आई थिंक सम दिल्ली पुलिस गाइज हु फॉलो हिम एंड दैट इज बिकॉज यू नो कितने थप्पड़ खाएंगे भाई। इन फैक्ट ही हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टू दैट, ही सेड दैट इफ यू कंटिन्यू टू स्टे इन गाजियाबाद एंड bought an helicopter for 100 crores and flown every day, people would have said, oh, what a great chief minister, is so efficient. Gujarat chief minister has spent 100 crores on an aircraft, right? Right, he said, if I had done the same thing people would have praised me, but I want to be efficient, so I want to be close to the office, so I live in the city. And that's all he did. That's not like he broke some major rules or anything like that doing that. Okay, let's take one call on air. Sure. Caller, you're live on air. Aapka naam? मेरा नाम डीजे है। डीजे, टेल अस व्हाट योर क्वेश्चन और योर थॉट्स आर। या माय थॉट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक बोथ द गेस्ट हु आर सपोर्टिंग आप फॉर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क, दे आर हेल्पिंग ग्रेट मूवमेंट एंड आई सपोर्ट दैट मूवमेंट। क्योंकि डेमोक्रेसी होने का फायदा ही यही होता है कि हम सवाल जवाब कर सकें एक सहज तरीके से, और वही हम अभी रेडियो जिंदगी पे कर रहे हैं। कॉल ऑफ लाइव ऑन एयर, आपका नाम? माय नेम इज अमर। अमर जी कहिए, एक्चुअली कांग्रेस की बात चल रही थी तो कांग्रेस तो अमर नहीं लग रही है, बट आप बताइए क्या सवाल है आपका। It's a quick thing, like, you know, we all from India, we came to US because we left India because something was not working good. Hanji. So, right, and what I see is, like, you know, no one actually as such is mad about what Arvind and the team wants to do. It's just that he's like, kind of like, you know, bad-mouthing a lot of people, and that's why, like, you know, people of BJP are a little bit, like, you know, mad on him. And it looks like, you know, today's participants, they are pretty close to Arvind and the team. So I would just request, like, you know, there was one comment made by Steve Jobs, like, for Apple to win, Microsoft doesn't have to lose. So I would just, like, you know what, if Arvind and team also follows that, you know, for up to win, like, you know, we don't have to criticize people, but we can just continue to showcase what good work AAP is going to do. And I firmly believe AAP, you know, I'm following them. And I firmly believe, you know, what if they quit? But I think, you know, we should give them chance, you know, to avoid complete monopoly. Absolutely, great thoughts there. Thank you so much. So, Pran ji, great point he made that, you Amar know... Amar made a very good point. Actually, interestingly enough, people said this viewpoint that Amar just pointed out during the Lok Sabha election that AAP was being very negative. But this time around, it's right the reverse. People have started to realize that the BJP is actually the ones being negative. They have nothing positive to say. In fact, when the Prime Minister went out and had his only speech or rally, he called people names. He said he's a Naxalite and things like that. Right. So he didn't have anything positive about what is he going to do for Delhi, right? Great. So you agree with that? आपसे थोड़ी गलती होगी, लेकिन हमने वो सुधार ली. आपने सुधार ली वो. Yes. So great. Let's take one more call. Caller, you're live on air. आपका नाम? Hi, my name is Deepak. दीपक जी कहिए। मैं ये कहना चाहता था आपको एक बार चांस मिला था हाँ जी एंड आई डिडंट थिंक कि वो धरना वरना करने शुरू हो गए
and he left after 49 days. Hanji. And chief minister is kisi bhi state ka is an important position. Bilkul. So you have all these, you know, problems and all. So you have to deal with it. Okay. So jab problem aati hai, you shouldn't run away. Mm-hmm. And I think jo even Arvind said that that was a mistake that he made. It wasn't. So aapki jab ye log keh rahe hain ki wo lokpal jan pass nahi kar sake, that may be true, but Arvind said ki that was a mistake he made. Mm-hmm. And secondly, unhone kaha tha ye nahi rahenge, wo nahi rahenge, lal patti nahi rahenge, to security. He came to America. Mm-hmm. His name is Aam Aadmi. Business class pe unhone fight kiya tha. Haan ji. So uske bare mein ye kya kehna chahte hain? Thank he you so much. All the advantages that he wanted to take. Kehne mein aur karne mein bahut farak hota hai. If he wanted, he could have rejected. He came to America on a business class. Bilkul, very good question. Let me ask this to our guests here, Pradeep and Pran. What do you say? Business class mein kyun fly kiya unhone? Pehli baat to ye ki aam aadmi kya business class mein fly nahi karta ya business class mein keval khas aadmi travel karte hain? Pehla, right? Aam aadmi business class mein travel kar sakta hai. The second thing is, Arvind's ticket was sponsored. Mm-hmm. This time he came to an award function in Dubai, and that ticket was sponsored by that company who was, you know, awarding him. And so Arvind, basically, what Arvind you're saying is that he didn't spend money on the government to go to business class. Yes. Jane, that's what and you're trying the to second, say. The second thing Anji. Is, Arvind himself wasn't aware that it's a business class ticket until he reaches the airport. When he reached the airport, then he came to know it's a business class ticket and it couldn't be changed because he knew that there will be a controversy. Now I'm imagining the situation at the aircraft ki Arvind ke paas business class ticket hai, wo ladai kar raha hai ki nahi mujhe economy class mein jana hai, aur hum yahan khade ke ladai karte hain, business class pe ghusne ka chance hai kya? So let's take one more call. I want to actually add to that. Go, one go ahead, point, you know? Yes, go ahead. These are tough questions that people ask about on Arvind and the Aam Aadmi Party, saying why is he traveling this and that. Mm-hmm. I think to be fair, you should ask the same kind of questions to all parties. Mm-hmm. Just an amount of dress changes that Mr. Modi probably had in the last 3 days when Obama was there. Mm-hmm. Somebody was saying it's more than the water subsidies. So we should ask. Where no, I think what happens is that, aisa mujhe lagta hai, meri personal opinion hai, ki Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal get a lot of attention in terms of everything that they do. Correct. मुझे तो पता भी नहीं है कि लेट्स से राजस्थान का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है ऑनेस्टली exactly. क्योंकि मीडिया में है ही नहीं वो बात एंड दैट्स माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स टेक वन मोर कॉल लाइव ऑन एयर. कॉलो योर लाइव ऑन एयर. आपका नाम? हाय, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ. बोलिए सर. अच्छा, ये आम पार्टी जो है हांजी आपकी अच्छी पार्टी है, इनका एजेंडा अच्छा है बिल्कुल. एंड बीजेपी की जो जीत हुई है बेसिकली आम पार्टी आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा ये है सहयोग कर सकती है. मेरा एक सवाल है, जब लास्ट टाइम दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे एंड आम आदमी पार्टी आई थी तो उनको केजरीवाल जी को कैसे लगा कि विदाउट हैविंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ही कैन पास द लोकपाल बिल? क्योंकि जब लोकपाल बिल की बात चल रही थी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही थी क्योंकि सबके हाथ करप्शन में लगे हुए हैं. तो हाउ डिड केजरीवाल थिंक अबाउट इट? ठीक है सर, लेट्स टेक दिस आंसर क्वेश्चन वन बाय वन. आई डिस्कनेक्ट यू राइट नाउ, बट आई टेक लुक टुवर्ड्स द गेस्ट फॉर द आंसर. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. क्वेश्चन वॉज कि उन्होंने इतना बड़ा वादा कर दिया कि जन लोकपाल बिल मैं पास करूंगा, लेकिन ऐसा वादा उन्होंने कर कैसे दिया जब उनके मेजोरिटी ही नहीं थी? और उन्होंने क्या एक्सपेक्ट कर लिया था कि उनको मेजोरिटी मिलेगी, या फिर उनको ऐसा लगा नहीं था कि क्या पता किसी के साथ सरकार बनानी पड़े? इतना बड़ा वादा कैसे कर दिया सर? सो द थिंग इज, व्हेन यू आर गोइंग फॉर पोल, व्हेन यू आर कंटेस्टिंग, राइट, यू मेक एन एजेंडा दैट दिस इज व्हाट वी विल डू इफ वी कम टू पावर. इफ वी आर मेकिंग अ गवर्नमेंट देन दिस इज व्हाट वी विल डू. So that's on that basis that was one agenda item, and that was the biggest agenda item, right, for which they formed the government. And before forming the government, they sent an 18 point agenda correct to other political parties, which is BJP and Congress, and asked that, you know, do you want to support us based on these things? And only after getting a yes from Congress, they went ahead and formed the government. And of course they asked for people of Delhi also. And as far as, you know, resigning comes into question, I think a lot of people are asking about that. Personally, if you ask me, it was a right thing to do. If I think about ethics and principles, that was the right thing to do. But at the same time,
I think people were very hopeful that, you know, Arvind has come and Aam Aadmi Party is in power. Mm-hmm. The kind of life they lived for 49 days mm-hmm. without any hafta, without mm-hmm. any problems, that created that hope. And resigning kind of broke that hope. Mm-hmm. So it was a major frustration. Mm-hmm. That's what I think. And mm-hmm. Arvind also kind of accepted that it was a mistake. Mm-hmm. Breaking that hope is the mistake. Okay. So tell me something. The last caller's point about the Lokpal bill, it's a stretch, mm-hmm. right? In politics or for any matter, anything that you get into, you set the bar very high. But try to do something. Let me ask you a little different question on Jan Lokpal. Yeah. A little different. Mm-hmm. Is baar Jan Lokpal kahan hai? I don't hear that in his speeches at all. I don't hear in aap's manifesto mein hogi, lekin koi bhi leader Jan Lokpal publicly nahi bol raha hai. Aisa kyun? Actually, just yesterday he did. He didn't mention about mm-hmm. Lokpal bill again. But do you see the difference between last time and this time? Last time Jan Lokpal was like the front runner here. That's all we'll do. Is baar kabhi kabhi kahin kahin sunne ko milti hai? Do you think there is something hidden in there? Kuch ho raha hai, bataiye. So that is part of every agenda, every mm-hmm. meeting. The only thing is, along with Jan Lokpal, there are other problems also which they are talking about. Mm-hmm. They are talking about water, they are talking about electricity, mm-hmm. they are talking about how the college education, the security and everything. So Jan Lokpal is one of the mm-hmm. agenda items, mm-hmm. of course. And it is one of the important agenda items. Mm-hmm. And what Aam Aadmi Party did, they kind of set up Delhi Dialogues. Mm-hmm. Correct. And one Delhi dialogue was specifically centered around governance and Lokpal and the processes okay. around governance, right? Okay. So it is there. So let me ask you a bada blunt sa question. Mm-hmm. Agar Aam Aadmi Party majority mein aati hai mm-hmm. aur Jan Lokpal bill nahi pass karti hai, would both of you continue supporting Aam Aadmi Party? Absolutely. Absolutely. You would or would not? Absolutely will support. Even if they do not, yes. What about you, Pradeep? I won't. You will not? No. Because they would have broken a big promise. The thing is, you know, that is the biggest promise. Mm-hmm. That's the promise for which Arvind and the team mm-hmm. came to Ramlila Maidan. Mm-hmm. That is the reason I joined Aam Aadmi Party. I joined Anaj Movement. And I think most of the leaders of Aam Aadmi Party, they say that if we are not able to pass the Jan Lokpal mm-hmm. bill, we will protest against Aam Aadmi Party. I know Kumar Vishwas is saying that. I heard that. Abhi hum chhota mota sa break lete hain Pranji, uske baad aake hum ye discussion continue karte hain. Sure. Jee ja. Don't that bust the Indians. Sorry. Exactly. Welcome back, दोस्तों आप सुन रहे हैं भेजा फ्राई सनी मोजा के साथ और मेरे साथ जुड़े हुए सब प्रदीप जी और प्राण जी और एक कॉलर भी लाइव ऑन एयर हैं. कॉलर गो अहेड टेल अस योर नेम. मेरा नाम रवि है. रवि जी पूछिए अपना सवाल क्या है आपका. मेरा सवाल किरण बेदी के वास्ते. नाउ इट्स क्लियर दैट आफ्टर गेटिंग किरण बेदी इनटू पिक्चर इट्स क्लियर दैट अरविंद केजरीवाल इज द मैन फॉर दिल्ली बिकॉज किरण बेदी वन थिंग इज क्लियर दैट बीजेपी डजंट हैव एनी लीडर हु कैन oppose or who can match Arvind Kejriwal. So they brought a lady like Kiran Bedi, and now Kiran Bedi has made it clear that she's inclined towards power that she joined the party where she opposed every time Congress and BJP. She joined the party. Absolutely. I think BJP. Starting mein bhi humne yahi point raise kiya tha. Clear about what intentions Kiran Bedi has and absolutely. What intentions BJP has. So now I am 100% sure Arvind Kejriwal will be the man for Delhi. Thank you for your comments. Humne starting mein yahi baat ki. Caller, you're live on air. Aapka naam? मेरा नाम कैलाश है. कैलाश जी बताइए क्या कहना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ. सर लेकिन थोड़ा जल्दी पूछे, टाइम खत्म हो रहा है. प्लीज आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है. मेरे को इतना ही पूछना है कि अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करने के बाद मतलब जब लोगों ने उनको इतना वोट दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके बाद लोगों को लगा कि यार ये आदमी कुछ करेगा, उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया. दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली प्लेइंग विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, राइट. अगर दूसरा कोई आता है तो हमें इतना नहीं लगता कि यार ठीक है यार कुछ भी करेगा तो इतना टेंशन नहीं रहता, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली फीलिंग्स के साथ खेला है. तो व्हाट अबाउट दैट. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. आई थिंक प्रदीप दिस गोज बैक टू व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर. तो अगेन ए क्विक कमेंट ऑन दैट वन. सो द थिंग इज इंटेंशंस एंड व्हाटसोएवर इज द एजेंडा दैट मैटर्स, राइट. दे आर नॉट पुटिंग टैक्स पेयर्स मनी इन स्विस बैंक, सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट. अगेन, lot of people have high expectation and lot of people
they hate Arvind Kejriwal and his party. Mm-hmm. I think most of the people hate Arvind Kejriwal because they are not able to do what he is doing. Mm-hmm. He kind of stood up. We dreamed about it. Mm-hmm. We dreamed mm-hmm. in our days of college, right? You mm-hmm. know, can we change the system? Can mm-hmm. we do something? Mm-hmm. He did it, right? Mm-hmm. So I think most of the people, when they talk about they hate Arvind Kejriwal, mm-hmm. I think that is the reason they are frustrated. So Pradeep, Pran, abhi hamare jaane ka waqt aa chuka hai, lekin jaate jaate prediction, seats ki predictions kijiye. Kitni seats kisko milengi is baar Delhi elections mein? Soch rahe hain. Kuch tukka maar dijiye sir. Okay. Aap 35 plus. Aap 35 plus. Yeah. Which means it's going to be neck to neck contest probably between BJP and aap. Not really. Total is 70, right? Oh, right. I think Congress will end up with about 5 seats. Mil jayengi? Wo vote kon dega mujhe batana yaar, unko vote kon de raha hai. Okay, so 35 plus and BJP about 30 then. And BJP less than 20. Less than 20? Arre baap re, kya dhamake. I'll play this recording for you. Pradeep, what's your prediction for the... Last time when I was in Delhi, I predicted mm-hmm. 27 seats for AAP. Uh-huh. And it was pretty near. This uh-huh. time I think it will be 42 for AAP. Uh-huh. And rest I don't care. Hi, this is Vishal Dalani. You're listening to Bheja Fry with Sunny Moza, only on Radio Zindagi. Jiyeja. 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 Radio Zindagi, 1550 AM ke saath. Jiyeja. Jiyeja.